टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए इसका मीनिंग क्या है भाई, मान लीजिए मेरे पास में I1 करंट है, ठीक है। अब I1 करंट है तो ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने डिटरमाइन किया एक रूल से जिसका नाम है, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। भाई राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करना है। आपका थंब किसको पॉइंट करना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट को। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहा, फिंगर्स जो बताती है वो किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए फिंगर्स यहां पर अंदर जा रही है इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड। वैसे ये वायर है, मान लो इसमें I2 करंट है, मैं इसके कारण बोलता हूं क्रॉस, ठीक है। अब इस वायर के कारण देखो करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड। अब कहां पर? आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा इसका मतलब डॉट होगा या क्रॉस होगा? डॉट। और इनवर्ड होगा इसका मीनिंग क्या होगा? क्रॉस। देन बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए डॉट का मीनिंग है इनवर्ड, और डॉट का नहीं, क्रॉस का मीनिंग है इनवर्ड और डॉट का मीनिंग है आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी हो रही? अपोजिट। तो एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो। भाई देखो ये +10 और ये -10, या -10 और ये +10, -10 +10 0। तो हमें दोनों वायर के बीच में एक पॉइंट, फर्स्ट वायर से या सेकंड वायर से, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? जीरो। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी। देखिए मैं मानता हूं ये I1 करंट, लेट दिस इज I2 करंट, दोनों के बीच का सेपरेशन डी। लेट आई अज्यूम दिस पॉइंट पी, मुझे नेट फील्ड पी पे निकालना है जो कि कितनी आनी चाहिए? जीरो। भाई I1 के कारण फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड। नेट फील्ड एट पॉइंट पी, इनवर्ड मतलब माइनस के क्या। I2 के कारण फील्ड यहां इनवर्ड और यहां आउटवर्ड, V2 प्लस के क्या, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो मैं कह सकता हूं B1 शुड बी इक्वल टू B2। यहां से मैंने डिस्टेंस कितना माना? एक्स। तो बोलो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? भाई ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल डी है, ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। जैसे ही हुआ डी माइनस एक्स तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट I1 अपॉन 2π × x, 2π × x। म्यू नॉट I2 2π, बोलो कितना यहां से आता का सेपरेशन? डी माइनस एक्स। अब हम यहां से म्यू नॉट अपॉन 2π, म्यू नॉट अपॉन 2π कैंसिल कर सकते हैं। ये I1 अपॉन एक्स, I2 अपॉन डी माइनस एक्स। मुझे किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है? एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एक्स। एक्स निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं I1 डी माइनस एक्स I2 x, I1 d − I1 x, I2 x, I1 d = I1 + I2 × x, I1 d / कितना? I1 + I2। ये x की वैल्यू आपके पास में निकल सकती है। यहां तक सभी को वापस से देख लीजिएगा, हमारे पास में दो वायर थे भाई, दो वायर मौजूद है हमारे पास में, दो वायर अवेलेबल है। दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, डिफरेंट है? हमें दोनों के इन बिटवीन, मैं मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? इन बिटवीन क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्या निकालना है? कितनी वैल्यू? जीरो। वो पॉइंट निकालना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? जीरो। तरीका सिंपल भाई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड,
ये क्रॉस या डॉट? क्रॉस। यहां पर क्या है? डॉट, मतलब यहां बाहर होगा, यहां अंदर होगा, यहां होगा क्रॉस और यहां होगा डॉट। तो यहां क्रॉस और डॉट, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माइनस के प्लस के, माइनस के और प्लस के का आंसर जीरो आ सकता है। मैंने मान लिया लेट यहां से एक्स डिस्टेंस पर, यहां से कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर फील्ड कैसा है? जीरो है, ऐसा मैंने माना। भाई यहां से एक्स है तो यहां से कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। अब यहां से डी माइनस एक्स हुआ, मुझे नेट फील्ड निकालना है जीरो, तो बी वन इक्वल टू बी टू आ जाता है। इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई। यहां से अब तक का सेपरेशन कितना है? डी माइनस एक्स। सॉल्व करने पर यह आता है। अब इसमें कई बार स्पेशल केस ऐसा होता है, देखो आई वन की वैल्यू दोनों में अगर सेम हो जाए, लेट आई दिस इज आई, एक्स कैन बी रिटर्न कितना? आई डी डिवाइड बाय आई प्लस आई, एक्स इक्वल टू आई डी अपॉन टू आई, इससे कैंसल, तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर कब होता है? जब दोनों में करंट क्या होता है? सेम। भाई अगर दोनों में करंट सेम होगा, जैसे मान लो 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर और आपसे बोला गया 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया, मान लीजिए पूछा गया बताइए किस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में या मिड इन बिटवीन फील्ड जीरो होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 10 डिवाइड बाई 2 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वो पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहां तक सभी को क्लियर है? अब अगर सोचिए करंट की वैल्यू या करंट का डायरेक्शन, एक में होता अपवर्ड और दूसरे में होता डाउनवर्ड, तो देखो क्या फर्क पड़ता, क्या कभी फील्ड जीरो आता? ये आपसे पूछा जाता। भाई करंट अपवर्ड है, अपवर्ड है तो यहां क्रॉस होगा डॉट होगा? क्रॉस। अब ये फील्ड डाउनवर्ड है तो यहां आएगा क्रॉस और यहां आएगा डॉट बाहर की तरफ, और अंदर जाते समय यहां क्या आएगा? क्रॉस। तो अगर दो वायर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उनके इन बिटवीन कभी भी फील्ड जीरो नहीं होता है, जबकि फील्ड बढ़ जाता है। फील्ड कम नहीं होता है, फील्ड बढ़ जाता है। लेकिन अगर दो वायर में ऑपोजिट करंट है या सेम करंट, सेम, तो उन दोनों के इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ सकती है? जीरो। दो वायर जिनमें करंट आई वन एक्टिव फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आई वन आई टू करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहां पर थर्ड वायर इनके इन बिटवीन कहीं रख दिया गया है जिसमें आई थ्री करंट फ्लो हो रहा है। अब इन बिटवीन बोला है मिडवे बोला है? मिडवे मतलब सेंट्रल पॉइंट। मैं मान लो टोटल सेपरेशन कितना था? डी, तो इसका हाफ सेपरेशन कितना हो गया? डी बाई टू। और ये वाला सेपरेशन कितना हो गया? डी बाई टू। आपको फर्स्ट वायर, सेकंड कंडक्टर और थर्ड कंडक्टर, थर्ड कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, और किसके कारण निकालना है? फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्स निकालने का तरीका सिंपल, भाई मुझे थर्ड कंडक्टर पर फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, किस किस के कारण निकालना है? तो थर्ड कंडक्टर पर निकालना है फर्स्ट के कारण, और थर्ड कंडक्टर पर निकालना है किसके कारण? सेकंड। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। पहला क्वेश्चन आता है फोर्स लगाया किसने, किसने लगाया है फोर्स? इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा मिलता है, आप और हम ये बात जानते हैं अच्छे से, कुछ देर पहले हमने सीखा था, दो वायर अगर उन दोनों वायर में I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, करंट सेम फ्लो होता है तो हम जानते हैं अट्रैक्शन होता है।
और अगर करंट ऑपोजिट फ्लो होता है तो हम जानते हैं रिपल्शन होता है। करंट सेम फ्लो हुआ तो अट्रैक्शन, और करंट ऑपोजिट फ्लो हुआ तो ये वाला वायर इसको रिपल करता है और ये वाला वायर इसको रिपल करता है, और उस अट्रैक्शन और रिपल्शन का पर यूनिट लेंथ आंसर जो होता है दैट आंसर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई वन आई टू अपॉन डी, ये आंसर दिया जाता है। तो आप और हम क्या कर सकते हैं, हम पहले चेक कर सकते हैं कि 1 और 3 दोनों के बीच में क्या है, सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। तो 1 और 3 सेम डायरेक्शन है, मुझे फोर्थ किस पे निकालना है, थर्ड पर निकालना है या फर्स्ट पर निकालना है, थर्ड पर, किस पे निकालना है थर्ड। तो मैं किस पर डायरेक्शन को ऑब्जर्व करूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय थर्ड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय विच कंडक्टर थर्ड ड्यू टू विच कंडक्टर फर्स्ट। भाई थर्ड को फर्स्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, भाई दोनों के दोनों को देखो एक बार, दोनों में सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मतलब अट्रैक्शन होना है रिपल्शन, मतलब कौन किसको खींचेगा, थर्ड किसको खींचेगा फर्स्ट, और फर्स्ट किसको खींचेगा थर्ड। तो ये आ गया फोर्स ऑन विच कंडक्टर थर्ड ड्यू टू विच कंडक्टर फर्स्ट। अभी डायरेक्शन कहा है लेफ्ट या राइट, अभी देखो I3 और I2 दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अरे अपोजिट सेम, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन हुआ तो कौन किसको रिपल करेगा थर्ड सेकंड को एंड सेकंड थर्ड। तो देखो वापस से फोर्स एक्सपीरियंस बाय थर्ड कंडक्टर ड्यू टू विच कंडक्टर सेकंड, दोनों के डायरेक्शन सेम है डिफरेंट टाइप। अब जब सेम डायरेक्शन आई तो दोनों का एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं दोनों के लिए F3 टोटल पर यूनिट लेंथ इसका आंसर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस 3 1 है, क्या है 3 1, तो मैं लिख पाऊंगा I3 I1 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 3/2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोलो कितना ट्वाइस, दोनों के बीच में करंट कितना है 3 2 3 2 मतलब I3 I2 दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 3/2। अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिखा जा सकता है 2 × 10⁻⁷, यहाँ पर इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता है। अब दोनों में कॉमन निकलने के बाद बचता 2 I3 I1 अपॉन डी प्लस 2 I3 I2 अपॉन डी, अभी भी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 I3 अपॉन डी, क्या दिख रहा है 2 I3 अपॉन डी। अच्छा 2 × 2 कितना हो जाए 4 I3 × 10⁻⁷ अपॉन डी डिवाइड बाय I1 + I2, ये आता है टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय। अब यहां क्वेश्चन में बोलिए I1 की वैल्यू कितनी थी 20, बोलो I2 कितना था 40 और I3 ठीक है ना, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, तो अभी कह सकते हैं ये आंसर इसमें निकाला जाएगा। तरीका एक बार फिर समझ लो, हमें निकालना किस पे था, मिडवे पॉइंट पर रखे हुए किसी कंडक्टर पर, इसकी डायरेक्शन कैसी थी, मैंने ऐसा माना इसकी डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन में थी। तो तरीका ऐसा हुआ कि दोनों मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, ऐसा आप और हम पढ़ चुके थे पहले भी कि जब वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो जब भी करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां एक पेयर बन गया अट्रैक्शन का और एक पेयर बन गया रिपल्शन का, तो थर्ड कंडक्टर पर फर्स्ट के कारण, थर्ड कंडक्टर पर सेकंड के कारण, दोनों के कारण करंट निकालना था, फोर्स निकालना था। ये अट्रैक्शन का केस हुआ, ये अट्रैक्शन का केस हुआ तो थर्ड को किसने अट्रैक्ट किया फर्स्ट ने, ये रिपल्शन का केस हुआ तो थर्ड को किसने रिपल किया सेकंड, वही अट्रैक्ट और रिपल दोनों के डायरेक्शन को ऐड कर दिया, ऐड किया फॉर्मूला अप्लाई किया
फॉर्मूला अप्लाई करने पर आंसर इस तरह से आपके सामने अवेलेबल होता है। देखिए अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से निकाला, हमने मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से निकाला था, बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से। कौन से लॉ की हेल्प से, बायो सेवर्ट। तो बायो सेवर्ट लॉ में ऐसा बताया गया था डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट लॉ की कई जगह पर लिमिटेशन होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, सिमेट्री हो किसी फिगर में, तो एम्पियर्स लॉ बड़ा ही काम का एक टूल होता है। अगर मैं इस मैग्नेटिज्म के एम्पियर्स लॉ को कंपेयर करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ से, तो दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है। दोनों में सिमिलैरिटी ऐसी है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आप जानते हैं, पहले जो हम पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर नॉट डी एस वेक्टर फाई दैट इज क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता था, वो कहता था किसी भी क्लोज लूप से, जैसे कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो किसी भी क्लोज लूप से जो पास होने वाला फ्लक्स होता है, पास होने वाला क्या होता है, फ्लक्स, उस फ्लक्स की वैल्यू को दिया जाता था जितना चार्ज उसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू, जितना भी चार्ज उसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं फ्लक्स का ई वेक्टर नॉट डी एस वेक्टर, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर नॉट डी एस वेक्टर, ये मेथड कौन सी मेथड थी, फील्ड निकालने की मेथड थी। कौन सी मेथड थी, फील्ड। ऑल्दो फील्ड का कैलकुलेशन पुराने तरीके से भी किया जा सकता था कूलम्स लॉ की हेल्प से, लेकिन गॉस लॉ की हेल्प से मदद क्या मिली थी, सिंप्लिसिटी बढ़ी थी सिमेट्रिकल फिगर्स को लेकर। वैसे एम्पियर्स लॉ की मदद क्या होगी, क्यों यूज होगा, जहां पर सिमेट्री होगी वहां क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। इसलिए एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा होता है, गॉस लॉ एप्लीकेबल था क्लोज सरफेस के लिए, एम्पियर्स लॉ भी एप्लीकेबल कौन से सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। भाई गॉस लॉ में आपने पढ़ा था चार्ज अंदर वाला यूज होता है या बाहर वाला यूज होता है, अंदर वाला, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस क्या कैलकुलेट करने के लिए, फ्लक्स, क्या कैलकुलेट करने के लिए, फ्लक्स। लेकिन फील्ड कैलकुलेट करना होता था, क्या कैलकुलेट करना होता था, फील्ड। तो अंदर के साथ साथ बाहर के सारे चार्जेस को भी हम इंक्लूड करते थे, फील्ड के लिए इनक्लोज कंसेप्ट नहीं था, किसके लिए था, फ्लक्स के लिए। यहां देखिए, यहां पे सेम बात है रिपीट की गई, वहां पे भी क्लोज सरफेस चाहिए, यहां पे भी क्लोज सरफेस चाहिए, वहां क्लोज सरफेस में कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहां एक एडिशनल पॉइंट है, यहां हमें क्लोज सरफेस में डायरेक्शन असाइन करनी पड़ती है, क्या असाइन करनी पड़ती है, डायरेक्शन। सर ऐसा क्यों भाई, यहां पर चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 डायरेक्ट ऐड किया जा सकता था, डायरेक्ट ऐड किया जा सकता था, चार्ज की डायरेक्शन थी क्या, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, होती है। करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, करंट इस प्लेन से अंदर भी हो सकता है और इस प्लेन से बाहर भी हो सकता है। मतलब क्या भाई, कंडक्टर ऐसा हो सकता है, कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैंने ऐसा रखा था, दोनों कंडक्टर से करंट बाहर आ रहा है, पॉसिबल है, दोनों करंट में कंडक्टर अंदर जा रहा है, पॉसिबल है कि नहीं, एक करंट एक कंडक्टर में करंट अंदर जा रहा है, एक में कंडक्टर में करंट बाहर आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है, यस नो। तो करंट में डायरेक्शन पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है, लेकिन क्या चार्ज में डायरेक्शन पॉसिबल थी, नहीं। तो वहां पर हमें उस क्लोज कर्व का सर्कुलेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एम्पियर्स लॉ ऐसा कहता है, इसके मुताबिक आप बी वेक्टर नॉट डी एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर आप क्या चाहते हो इसका कैलकुलेशन करना मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको यूज करना होगा लाइन इंटीग्रल। क्या यूज करना होगा? लाइन इंटीग्रल। देखो गॉस लॉ के केस में कौन सा इंटीग्रल था? सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल? सरफेस या लाइन? सरफेस। यहां पर क्या है? लाइन। किसका था सरफेस इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका था? यहां किसका इंटीग्रल है? मैग्नेटिक फील्ड का। वहां इनक्लोज क्या था? चार्ज। यहां इनक्लोज क्या है? करंट। वहां डिविजन में क्या था? वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या है? म्यू नॉट। क्या है? म्यू नॉट। इंक्लोज चार्ज लेते थे, यहां पर इंक्लोज करंट लेते। वहां म्यू नॉट लिखा था, वहां वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यहां पर कितना लिखा है? म्यू नॉट। वहां सरफेस इंटीग्रल था, यहां पर क्या अवेलेबल है? लाइन इंटीग्रल। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, यहां पर क्या कैलकुलेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैं इस लूप को दो तरह के पॉसिबल डायरेक्शन असाइन कर सकता था, I1, I2, I3 करंट्स, I4, I5 करंट्स। मैंने ये लूप बना दिया। जैसे ये लूप बनाया तो लूप की डायरेक्शन दो पॉसिबल है, एक डायरेक्शन पॉसिबल है क्लॉकवाइज और दूसरी डायरेक्शन पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज। भाई आप दो में से कोई भी डायरेक्शन बना सकते हो, क्लॉकवाइज भी मान सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो। जो आप मानोगे उसके हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। आज तक मैंने आपको सिखाया जब भी क्रॉस होता है तो क्या लेना, माइनस के या प्लस के? माइनस के। और जब भी डॉट होता है तो क्या लेना? प्लस के। आज ऐसा नहीं बोलूंगा, आज ये बोलूंगा लूप के कर्व की डायरेक्शन या लूप या कर्व की डायरेक्शन को देखना, उसके एवरेज में उसको डिफाइन करना। मतलब क्या? मतलब ऐसा, आपने लूप की डायरेक्शन क्या मानी? क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल के हिसाब से अपने फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में टर्न करो, अपने फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में टर्न करो? लूप। तो इनवर्ड जा रहा है आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब आपसे अवे जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है अवे। व्यूअर मतलब जो देखने वाला है उससे दूर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है। पर मान लो अगर ऐसा होता एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज होता, सोचिए लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता तो क्या बोलते हैं? वीवर की तरफ आपकी तरफ आता था या आपसे दूर जाता? देखिए ये हुआ क्लॉकवाइज, कहां जाता है? टुवर्ड्स दी वीवर, जो भी ऑब्जर्वर है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर थम जा रहा है, यस सुनो। तो भाई जिस डायरेक्शन में थम जाएगा उसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है, उसे क्या मानना है? पॉजिटिव। तो देखिए इस बार इनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव। तो कौन सी करंट पॉजिटिव मानी जाएगी? I1 पॉजिटिव। कौन सी करंट? I2 पॉजिटिव। भाई अगर इनवर्ड पॉजिटिव करंट माना जाएगा तो बोलिए I3 क्या माना जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3। म्यू नॉट क्या लिखेंगे बोलो? प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3। सर I4 I5 क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि इंक्लोज सरफेस के अंदर है क्या? सरफेस है, इसके अंदर अवेलेबल है क्या? नहीं, तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। आप पूरे जो लूप माना हुआ है आपने, व्हाटएवर लूप यू हैव अज्यूम, उसको छोटे 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 लाइन के अंदर डिवाइड कर दिए। मतलब कैसा? भाई मैंने इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहां से इधर जा रहा हूं, सभी को क्लियर? मैं नहीं जानता मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आई डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती है, द मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं? अरे सुनो, आपको सिंपल ये काम करना है कि आपको लाइन इंटीग्रल करना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल। लाइन इंटीग्रल में यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है? डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? बोलो कितना? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब आपको थीटा ढूंढना पड़ेगा, और थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये रहा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो मैं थीटा क्या बोलूंगा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड
लाइन एलिमेंट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट। यहां तक सभी को बात क्लियर होगी। इसके एप्लीकेशन को समझते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसा है। देखिए इसके एप्लीकेशन के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलेनोइड, टोरॉइड और किसी कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। पहला केस हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी, करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए इसका आंसर आप पहले से जानते हैं, पिछले केस में मैंने बायो सेवर्ट लॉ के बताया था आपको आंसर। बताओ इसका आंसर क्या था, मैं पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस में फील्ड निकालना चाहता हूं, तो बताओ आंसर क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। और आपको जानकारी होगी इसे सॉल्व करने में लगभग लगभग हमने बायो सेवर्ट लॉ में दो एंगल माने, थीटा वन थीटा टू मानने के बाद अलाइनमेंट किया था, फिर एंगल निकाला था, फिर एल को रिप्रेजेंट किया था, आर को रिप्लेस किया था थीटा के टर्म में। सॉल्व करने के बाद में उसको पूरा सॉल्व करने के बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ा था, लिमिट रखनी पड़ी थी, फिर इनफाइनाइट लेंथ थी तो थीटा वन थीटा टू को हमें बताना पड़ा था, थीटा वन था आपके पास में पाई और थीटा टू था जीरो। ये होने के बाद में आंसर निकला था आप लोगों के पास में ये वाला, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। मतलब लगभग लगभग 30-35 मिनट का डिस्कशन हम लोगों का हुआ था, और अभी जो आप डिस्कस करेंगे मुश्किल से 3-4 मिनट का डिस्कशन है। डिस्कशन ऐसा है कि आप जब भी किसी वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पहला स्टेप है करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें। करंट कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है। आप एक इमेजिनरी लूप को मानो, ये वायर था, मैंने लूप ऐसा मान लिया, मैंने लूप ऐसा मान लिया, बराबर। जब मैंने लूप ऐसा मान लिया, ये आपके सामने मैंने लूप मान लिया, बताइए जब मैंने लूप ऐसा मान लिया तो अपवर्ड डायरेक्शन जो आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब। क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब, यस और नो। मैंने अभी हमेशा बताया था आप एमपीएम लूप की डायरेक्शन को मानिए आर्बिट्रेरी, खुद से अपने आप से, क्यों मानिए, ताकि आप करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव अलाइन कर सकें। आपको मानना है आर्बिट्ररी लूप, वो लूप दो कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और आपको लूप ऐसा अज्यूम करना है जिससे कि उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए। जैसे पिछले केस में क्या था, I1, I2, I3 किसके अंदर थे, एम्पीरियल लूप के अंदर, किसके अंदर थे, एम्पीरियल लूप के अंदर। यहां तक सभी को क्लियर है, मैंने लूप मान लिया, लूप माना, लूप ऐसा माना एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड, अपवर्ड क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। करंट का है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव मानेंगे नेगेटिव, मतलब यू नॉट इनटू आई वाला तो टर्म आएगा, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर नॉट डीएल वेक्टर यू नॉट इनटू आई, तो आई में क्या लूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे दो बातें ढूंढनी, क्या क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट। देखो ये रहा आपके पास में क्लोज एम्पीरियल लूप इस प्लेन में, और करंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई आप राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जानते हो, आपके जानते हो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, ये आप जानते हो। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कहां फ्लो हो रहा है, आपको डाउनवर्ड, तो फिंगर्स क्या बताएंगे, कौन सी फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और एम्पीरियल लूप भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एम्पीरियल लूप भी कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। वापस सोच लो भाई, वायर, थंब आपका क्या पॉइंट करना चाहिए, करंट, तो फिंगर्स क्या पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड।
तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। आपने जो एम्पिरियल लूप माना वो कैसा माना, दोनों की डायरेक्शन सेम डिफरेंस। मीनिंग ये हुआ, अब स्टेप ये कि आपको डीएल और बी के बीच का डायरेक्शन ढूंढना है, आपको डीएल और किसके बीच का डायरेक्शन ढूंढना है, बी। और मैंने बताया डीएल मतलब क्या, पूरे एम्पिरियल लूप को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दो। ये देखो ये रहा था लूप आपके पास में, मैंने उसको यहां से कट कर दिया, छोटा सा टुकड़ा आ गया, बराबर है। तो इस डीएल की डायरेक्शन वही होती है, इस डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो एम्पिरियल लूप की डायरेक्शन होती है। ये देखो ये एम्पिरियल लूप कैसा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पर भी डीएल की डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भाई यहां एम्पिरियल लूप कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अरे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो बोलो भाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यस नो? अगर एम्पिरियल लूप एंटी क्लॉकवाइज है तो डीएल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसा है, जीरो। कैसा एंगल है, यहां तक सभी को बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन मॉड बी मॉड डीएल कॉस जीरो म्यू नॉट इनटू आई, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट इनटू आई। अब एक बात देखो बेटा ध्यान से, हम ये बात जानते हैं ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल। जो आपने एम्पिरियल लूप माना वो कैसा है, सर्कल। छोटा डीएल ऐड किया, फिर छोटा डीएल ऐड किया, फिर छोटा डीएल ऐड किया, ऐड करते 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 टोटल ऐड किया, पहले छोटा सा पार्ट लिया, फिर अगला पार्ट लिया, छोटा और अगला वाला पार्ट ऐड कर लिया, फिर अगला वाला पार्ट लिया, पिछला ऐड कर दिया। भाई टोटल घूमते 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 शुरू करके वापस वहीं पे पहुंच गए, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पूरी की पूरी आ गई। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, कितना होता है 2πr। तो मैं लिख सकता हूं b मल्टीप्लाई बाय 2πr म्यू नॉट इनटू i, तो b की वैल्यू चेक करो कितना आ गया, म्यू नॉट i अपॉन 2πr, चेक करो कितना आ गया, म्यू नॉट i अपॉन 2πr।